नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube के चैनल में जिसका नाम है द मिस्ट्रियस कैट। दोस्तों, आप में से बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि अपने घुटने, कमर, गर्दन और उंगलियों को चटकाते तड़काते ही रहते होंगे। इनमें से आने वाली आवाजों के अलग अलग कारण होते हैं। दोस्तों, आप सबने बचपन से लगातार अभी तक यह बात तो जरूर सुनी होगी कि उंगलियां चटकाने से अपनी हड्डियों पर फर्क पड़ता है, जिससे कि गठिया की समस्या भी हो सकती है। परंतु थकान और हमारी आदत से मजबूर होने के कारण आज तक भी हम इस आदत को सुधार नहीं पाए। दोस्तों, अगर आपको भी उंगलियां चटकाने की आदत है तो यह वीडियो आपके बहुत काम की है। तो आज के इस वीडियो में हम उंगलियां चटकाने पर जो आवाज आती है और क्या सचमुच में उंगलियां चटकाने से हमारी हड्डियों को कुछ नुकसान होता है, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की इस वीडियो। ऑनलाइन शॉपिंग करने के दौरान किसी भी नाजुक चीज को पैक करने के लिए बबल रैप का इस्तेमाल किया जाता है। ये हवा के छोटे छोटे बबल से बनी हुई एक प्लास्टिक की पन्नी होती है, जो कि पैकेट में मौजूद सामान को ट्रांसपोर्ट के दौरान टूटने फूटने से बचाने का काम करती है। ठीक इसी प्रकार के बबल्स हमारी हड्डियों के जॉइंट्स के बीच में भी पाए जाते हैं। हमारे इन जॉइंट्स के मूवमेंट को आसान बनाने के लिए हमारे जोड़ों के बीच में चिकना पदार्थ पाया जाता है, जिसे कि सिनोवियल फ्लूइड के नाम से भी जाना जाता है। इस सिनोवियल फ्लूइड के अंदर बहुत ही माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक हवा के बबल्स होते हैं, जो कि हर 20 मिनट में हमारे जोड़ों के बीच में इकट्ठे होते रहते हैं, जो कि हड्डियों तथा जोड़ों को खींचने या फिर फोल्ड करने पर फूट जाते हैं, जिससे कि हड्डियां चटकने की आवाज निकलती है। और इसका दूसरा कारण यह भी माना जाता है कि जल्दीबाजी में उठते समय घुटनों से आने वाली तड़कने की आवाज नसों के मांसपेशियों और हड्डियों की ओर चलने से होती है। कुछ लोगों में उंगलियां चटकाने की आदत होती है। उसके अलावा ज्यादातर लोग थकान मिटाने के लिए उंगलियां चटकाते हैं। ज्यादा देर तक कंप्यूटर पर बैठे रहने से उंगलियों में थकान हो जाता है। लगातार काम के चलते शरीर के अन्य अंग भी थक जाते हैं। उनकी थकान को तुरंत राहत देने के लिए उंगलियों को तड़काना या चटकाना बड़ा ही आसान लगता है। कई लोगों का यह मानना है कि उंगलियां चटकाने से जॉइंट पेन या फिर अर्थराइटिस जैसी बीमारी होती है, और साथ ही साथ इससे हाथों की पकड़ भी खराब हो सकती है। इस बात का पता लगाने के लिए डॉक्टर अंगर ने पूरे 50 सालों अपने उल्टे हाथ की उंगलियों को लगातार रोज चटकाया, जिसके नतीजे में यह पता चला कि उंगलियां चटकाने पर जोड़ों को दर्द या फिर अर्थराइटिस जैसी बीमारी बिल्कुल भी नहीं होती है, और जिसकी वजह से डॉक्टर डोनाल्ड अंगर को नोबेल प्राइज भी मिला था। परंतु दोस्तों, अगर आपको उंगलियां चटकाने से किसी भी प्रकार के दर्द का अनुभव हो रहा, मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है कि अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि इसका कुछ और कारण भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम यह उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इसी प्रकार की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल द मिस्ट्रियस फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।